दिल्ली सरकार ने पेट्रोल के दामों में कमी की तो दिल्ली बीजेपी का कहना है ये सब कुछ उसके धरना प्रदर्शन की वजह से ही हो पाया है। और यही वजह है कि अब दिल्ली बीजेपी कह रही है कि वह डीजल में कीमतें कम हो, दिल्ली सरकार कम करे, लिहाजा वो इसके लिए बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें ये प्रोटेस्ट मार्च होगा जो कि विकास मीनार से चल करके आम आदमी पार्टी दफ्तर तक जाएगा और अपना विरोध प्रदर्शन दिखाएगा। प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी बता रहे हैं पूरे उस प्रोटेस्ट के बारे में, कैसे आप अपना ये रोष दिखाएं। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर दाम कम किए, टैक्स के रूप में कटौती करके 5 रुपए और 10 रुपए। उसके बाद देश की राज्य सरकारें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं, उन्होंने भी अपने अपने टैक्स में कटौती करी पेट्रोल डीजल पर। लेकिन दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल भी इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया, उसको दिल्ली की जनता से बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पर लगातार प्रोटेस्ट किया और 20-25 दिन के प्रोटेस्ट के बाद केजरीवाल की सरकार को लगा कि ये कम करने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने पेट्रोल के दामों में कटौती करी। पर खाली पेट्रोल के दामों पर कटौती करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक डीजल के दामों पर कटौती नहीं होगी तब तक महंगाई डाउन नहीं आती है। सारा ट्रांसपोर्ट, किसान बहन भाई, उन लोगों को जब तक डीजल के दामों में कमी नहीं मिलेगी तब तक लाभ नहीं मिलता है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार 2-3 दिन से दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर धरने कर रही है और 6 तारीख को आईटीओ से लेकर के और आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक हमारा एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च होगा केजरीवाल को और उसके नेताओं को जगाने के लिए कि आपको डीजल पर भी दामों में कटौती करनी पड़ेगी। हर्ष जी, एक दो नहीं बल्कि 48 जगहों पर ये जो है प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं मार्च ये होगा, तो आपको लगता है कि इसका असर होगा? मैं ऐसा समझता हूं कि हमारा धर्म है दिल्ली की जनता की आवाज उठाना और केजरीवाल सरकार को लगातार जगाना। पहले भी असर हुआ है, छठ पूजा के समय में भी उनको अपना आदेश वापस लेना पड़ा था, और अब भी अगर इन्हें कम करने होते तो जैसे ही केंद्र सरकार ने दाम कम किए थे वैसे ये भी कम करते, तुरंत कम करते, जनता को राहत देते। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रोटेस्ट से पेट्रोल के भी दाम कम करे थे तो डीजल के भी दाम इनको करने पर मजबूर होना पड़ेगा। चलिए, तो जो ये प्रोटेस्ट है वह आपने जैसा सुना कि आईटीओ से चलकर, विकास मीनार से चलकर, वह आईटीओ के दफ्तर पर ही मौजूद आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर खत्म होगा। रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक।